साल 2010 में इंडिया ने अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए अपने सबसे टैलेंटेड प्लेयर्स को न्यूजीलैंड भेजा था। उनमें से एक नाम मयंक अग्रवाल का भी था और पूरे टूर्नामेंट में वो इंडिया की तरफ से हाईएस्ट रन स्कोरर थे। ये कोई छोटा अचीवमेंट नहीं था। मयंक के टीममेट जयदेव उनादकट का उसी साल इंडियन टेस्ट टीम में डेब्यू हो गया और केएल राहुल को किसी परिचय की जरूरत नहीं है। लेकिन हम ये जानते हैं कि कई बार बड़ा टैलेंट बड़े स्टेज तक नहीं पहुंच पाता और उस 19 साल के मयंक को इंडियन टीम में जगह पाने के लिए और 8 साल इंतजार करना था। मयंक अग्रवाल का जन्म 16 फरवरी 1991 को कर्नाटका के बैंगलोर शहर में हुआ। पिता अनुराग अग्रवाल नेचुरल रेमेडी कंपनी के सीईओ हैं और मां सुचित्रा सिंह एक हाउसवाइफ हैं। बचपन में हर बच्चे की तरह मयंक भी खूब क्रिकेट खेलते थे, लेकिन प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना उनके रडार में नहीं था। उन्हें एरोप्लेन्स में बहुत दिलचस्पी थी और वो साइंस पढ़ के पायलट बनना चाहते थे। मयंक बिशप कॉटन बॉयज स्कूल में पढ़ते थे। 10 साल की उम्र तक मयंक सिर्फ टेनिस बॉल से ही क्रिकेट खेलते थे। स्कूल के इंटर स्कूल मैचेस में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। कोच रामदास जी मयंक के बैटिंग टैलेंट से बहुत इंप्रेस हुए और उनको स्कूल टीम में ले लिया। तब पहली बार मयंक सीजन बॉल और बैट से वाकिफ हुए। इसके बाद वो कोरोमंगला क्रिकेट अकेडमी में क्रिकेट प्रैक्टिस करने जाने लगे। यहां से मयंक ने क्रिकेट को सीरियसली लेना शुरू किया। स्कूल के बाद मयंक ने जैन यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लिया, जहां से करुण नायर और केएल राहुल ने भी ग्रेजुएशन की। इस वक्त तक मयंक ने जूनियर क्रिकेट के सभी स्टेट लेवल पर कंसिस्टेंट परफॉर्म किया। 2008-09 कूच बिहार ट्रॉफी में अंडर 19 कर्नाटका की तरफ से खेलते हुए मयंक ने 5 मैचों में 432 रन बनाए एट एन एवरेज ऑफ 54। 2009 में इंडिया अंडर 19 की तरफ से खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 160 रनों की मैच विनिंग पारी खेली, जिसकी वजह से 2010 अंडर 19 वर्ल्ड कप में मयंक का सिलेक्शन हुआ। न्यूजीलैंड में खेले गए इस टूर्नामेंट में इंडियन टीम का ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, लेकिन इंडियन टीम के गिने चुने पॉजिटिव्स में मयंक अग्रवाल शामिल थे। मयंक पूरे टूर्नामेंट में इंडिया की तरफ से हाईएस्ट रन स्कोरर थे। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मयंक कर्नाटका के कंसिस्टेंट परफॉर्मर थे। साल 2010 में उन्होंने पूरे टूर्नामेंट के 5 मैचों में 166 रन बनाए एट एन एवरेज ऑफ 41.50 एंड स्ट्राइक रेट ऑफ 140, जिसमें 250 शामिल थे। उसी साल कर्नाटका प्रीमियर लीग में भी वो टॉप रन स्कोरर थे। टूर्नामेंट के 8 मैचों में मयंक ने 297 रन बनाए, इसमें एक सेंचुरी भी शामिल थी। इतने अच्छे परफॉर्मेंसेस के बाद भी उनको इंडियन इंटरनेशनल टीम के लिए कॉल नहीं आया। हालांकि उनके टीममेट जयदेव उनादकट का उसी साल इंडियन टेस्ट टीम में डेब्यू हो गया। 2011 आईपीएल में मयंक को आरसीबी ने अपनी टीम में शामिल कर लिया। उस सीजन वो कंसिस्टेंट परफॉर्म नहीं कर सके। डोमेस्टिक लिमिटेड ओवर मैचेस में अच्छे परफॉर्मेंस की वजह से उन्हें लिमिटेड ओवर का बैट्समैन समझा जाने लगा, जिससे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनका डेब्यू नहीं हो रहा था। लेकिन साल 2013-14 में उनका कर्नाटका के रणजी टीम में डेब्यू हुआ। अपने रणजी डेब्यू के सीजन में मयंक ने 8 मैचों में 380 रन बनाए, जिसमें 350 शामिल थे। मयंक का कन्वर्जन रेट अच्छा नहीं था। साल 2014 में मयंक के अंडर 19 इंडियन टीम के टीममेट और बेस्ट फ्रेंड केएल राहुल का इंडियन इंटरनेशनल टेस्ट टीम में डेब्यू हो गया, लेकिन मयंक को और इंतजार करना था। साल 2014-15 में मयंक का परफॉर्मेंस और भी गिर गया। इंजरीज के कारण उन्हें बहुत मुश्किलें आ रही थी। उन्होंने अपने फिजिक और फिटनेस को प्रायोरिटी देना शुरू किया और डोमेस्टिक सर्किट में कमबैक किया। 2016 दुलीप ट्रॉफी में इंडिया ब्लू की तरफ से खेलते हुए 3 मैचों के 5 इनिंग्स में उन्होंने 420 रन बनाए, जिसमें एक सेंचुरी और 450 शामिल थे और उस सीजन के सेकेंड हाईएस्ट स्कोरर थे। लेकिन मयंक के क्रिकेटिंग करियर का टर्निंग पॉइंट साल 2017 का रणजी ट्रॉफी सीजन था, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र के खिलाफ एक ट्रिपल सेंचुरी मारा और पूरे टूर्नामेंट के हाईएस्ट रन स्कोरर थे। 8 मैचों में उन्होंने 1160 रन बनाए विद एन एवरेज ऑफ 105.5। लेकिन 130 करोड़ की पॉपुलेशन और इतने स्टिफ कॉम्पिटिशन वाले कंट्री में ऐसे एक परफॉर्मेंस से इंडियन टीम में सिलेक्शन थोड़ी ना होता है। ये बात मयंक भी जानते थे। उन्हें बस अपने गेम पे फोकस करना था और उन्होंने ऐसा ही किया। साल 2017 के विजय हजारे ट्रॉफी में उन्होंने गजब का परफॉर्मेंस किया। 8 मैचों में उन्होंने 723 रन बनाए विद एन एवरेज ऑफ 108, जिसमें 3 शतक और 4 अर्धशतक थे, जिसके साथ उन्होंने पूरे डोमेस्टिक सीजन में 2141 रन बनाए अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स, जो कि हाईएस्ट रन बाय एनी बैट्समैन इन एन इंडियन डोमेस्टिक सीजन टिल डेट है। जून 2018 में बीसीसीआई ने मयंक को माधव राव सिंधिया अवार्ड से नवाजा। 2018 आईपीएल में पंजाब किंग्स ने मयंक को 1 करोड़ में खरीद लिया, और जिसका मयंक को सालों से इंतजार था। मयंक के तगड़े परफॉर्मेंसेस को देखते हुए सितंबर 2018 में उन्हें इंडियन टेस्ट टीम के लिए कॉल आया। वेस्ट इंडीज के खिलाफ होम टूर था
मयंक और उनके फैमिली बहुत एक्साइटेड थे। इतने मेहनत और इंतजार के बाद आखिरकार इंडियन टीम में मयंक का डेब्यू होगा। 18 साल की पृथ्वी शॉ का भी उस सीरीज में सिलेक्शन हुआ और 27 साल के मयंक के आगे 18 साल की पृथ्वी को ओपनिंग स्लॉट में चांस मिला। और तो और पृथ्वी ने अपने शतकीय तूफानी डेब्यू से मयंक के इंतजार को और बढ़ा दिया। बाद में मयंक को इंडियन स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया गया। मुझे नहीं पता स्पोर्ट्स पर्सन कितने प्रोफेशनल और प्रैक्टिकल होते हैं, बट यू हैव टू फील फॉर द मैन जिसने अपना सब कुछ दिया हो लेकिन अभी भी वो दरवाजे पर इंतजार कर रहा है। कुछ भी हो, कोई भी ऐसे सिचुएशन में डिमोटिवेट और निगेटिव हो ही जाता, लेकिन मयंक ऐसे नहीं थे। वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के इंसान है। लेकिन कहते हैं ना, कोई खोता है तो कोई पाता है। आपको बस अपना सर झुका के मेहनत करना है। दिसंबर 2018 में ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए मयंक को फिर से इंडियन टेस्ट टीम के लिए कॉल आया इन रिप्लेसमेंट ऑफ इंजर्ड पृथ्वी शॉ। 26 दिसंबर 2018 डेब्यू करने का इससे बेहतर मौका और क्या होता। टेस्ट कैप नंबर 295, बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच इन ऑस्ट्रेलिया, और मैच के पहले ही इनिंग्स में उन्होंने 76 रन बनाए, जो कि हाईएस्ट स्कोर बाय एन इंडियन बैट्समैन इन ऑस्ट्रेलिया ऑन डेब्यू है। और फोर्थ और फाइनल टेस्ट में 77 रनों की पारी खेल के इंडिया को सॉलिड स्टार्ट दिया, जिससे इंडिया ने 622 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। मैच तो ड्रॉ रहा, लेकिन इंडिया ने पहली बार टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया। 2019 ओडीआई वर्ल्ड कप में मयंक का नाम शामिल था, लेकिन उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला। अक्टूबर 2019 में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट उन्होंने पहला सेंचुरी मारा और उसी को डबल सेंचुरी में कन्वर्ट किया। अगले ही मैच में एक और सेंचुरी मार के वो वीरेंद्र सहवाग के बाद दूसरे इंडियन ओपनर बने जिन्होंने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट बैक टू बैक सेंचुरीज मारी। 5 फरवरी 2020 को मयंक ने इंडियन ओडीआई इंटरनेशनल टीम में अपना डेब्यू किया। 2020 आईपीएल में मयंक ने पंजाब किंग्स की तरफ से खेलते हुए 11 मैचों में 424 रन बनाए एट एन एवरेज ऑफ 38.54 और उसी साल 27 सितंबर को अपना पहला आईपीएल सेंचुरी मारा। पंजाब किंग्स ने आईपीएल 2022 में मयंक अग्रवाल को 12 करोड़ में रिटेन किया है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लास्ट कुछ मैचों में मयंक का बल्ला शान था, लेकिन दिसंबर 2021 में हुए न्यूजीलैंड के खिलाफ होम टेस्ट सीरीज में मयंक ने 150 रनों की सॉलिड पारी खेल के उस पिच पर कमबैक किया जहां सभी 10 विकेट्स एजाज खान ने ली थी। तो ये थी कहानी एक ऐसे प्लेयर की जिसने 8 सालों के वेट और कई रिजेक्शंस के बाद भी अपने ड्रीम्स पर गिव अप नहीं किया और इंडियन टीम में अपना खेलने का सपना पूरा किया। हम मयंक से सेल्फ बिलीफ, पेशेंस और डिटर्मिनेशन टुवर्ड्स अवर गोल्स जैसे कई बातें सीख सकते हैं। तो हम लोग प्रे करते हैं कि मयंक यूं ही कंसिस्टेंट परफॉर्म करते रहें और इंडियन टीम के मोस्ट सक्सेसफुल ओपनर बने। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपनों का।